इस फॉर्मेट का एक ये बात है कि गाने बहुत जाने पहचाने जो आपके दिलों में बसे हुए हैं वो सुनाने होते हैं यहाँ। तो मनोज साहब से माजरत के साथ मैं ये अगला गीत गाने लगा हूँ, क्योंकि ये अगला गीत जो है ये आपके दिलों में आपकी यादों में बेशक ना बसा हो लेकिन मेरे ख्याल में बसना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लव रोमांटिक कॉम्पोजिशंस ऑफ आर डी बर्मन। 1986 की फिल्म पाले खां में आई थी, इसमें फरा नाज थी और उनके साथ जैकी श्रॉफ थे। दिस इज ब्यूटिफुली संग बाय लता मंगेशकर एंड सुरेश वाडकर, आनंद बख्शी की लिखाई है। तो संजना को मैं दावत दूंगा यहां पर आए मेरा साथ दें ये गीत आपको सुनाने के लिए, मेरे सनम तेरा खत मिला। और खत के आगे क्या है ये, I'm seeing a lot of confused looks on everybody's faces. I hope you will enjoy it and I hope कि हमारे सुनने के बाद आप जाके ओरिजिनल भी सुनेंगे और उसे एंजॉय करेंगे। Here we go, मेरे सनम तेरा खत मिला। Sorry about that. मैं गाने के बारे में बोलने में इतना मसरूफ हो गया, forgot to pull up the track. And here we go. खत मिला, खत में तूने खत लिखने को लिखा, खत से पहले मैं आ गया, खत से पहले मैं आ गया। का टुकड़ा पहुंचा ना पहुंचा, कागज का टुकड़ा पहुंचा ना पहुंचा, ये सोच के मैं खुद आन पहुंचा। हो तूने मेरा दिल खुश कर दिया, खत में तूने खत लिखने को लिखा, खत के बदले बदले मैं आ गई। तूने कहा जो कहना सका मैं, तुझसे मिले बिन रहना सका मैं। हो
इस जोर से दिल धड़का मेरा, खत में तूने खत लिखने को लिखा, खत से पहले मैं आ गया, खत से पहले मैं आ गया। मुझसे ना कर तू, अरे इतनी मोहब्बत मुझसे ना कर तू, मर जाऊं मैं तेरा नाम लेके। हो रखे सलामत तुझको खुदा, खत में तूने खत लिखने को लिखा, खत के बदले सनम तेरा खत मिला, खत में तूने खत लिखने को लिखा, खत से पहले मैं आ गया, खत के बदले मैं आ गई। That was Mere Sanam Tera Khat Mila from movie Pale Khan. I hope you guys enjoyed it. Thank you. Haan, Swati. Toh aapko kahin pe